ये है आईआईटी रोपड़। जस्ट लाइक एनी अदर आईआईटी, यहाँ तैयार होते हैं कॉरपोरेट मज़दूर, वेल मोस्टली कुछ एंट्रप्रेन्योर भी निकल जाते हैं। हेलो, वेलकम फ्रॉम पंजाब इंडिया। सो मेरे को अपनी यूएस की ट्रैवल सीरीज़ को जल्दी ख़त्म करना पड़ा क्योंकि मेरे को एक कॉन्वोकेशन अटेंड करनी है आईआईटी रोपड़ में। सो ये मैं जा रहा हूँ अपने कैंपस। सो मैं दिखाता हूँ कैसा है। और ये मैं हूँ जस्ट आईआईटी के गेट्स के बाहर। सो अभी ले चलता हूँ अंदर। यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्होंने गार्डनिंग भी की हुई है। सो ये जो गेट्स हैं ये इंस्पायर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। 41 फीट ऊंचे गेट्स हैं। और यहाँ पे जो आईआईटी का लोगो है ये बनाया हुआ है बीच में। और ये यहाँ पे 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन पिलर्स पे कैसे दिखाई हुई है। सो 4 पिलर्स हैं ये इस टाइप के। और ये जो स्पाइरल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे गेट के थ्रू एंटर करोगे तो ये दिखेगा, ये डीएनए से इंस्पायर स्ट्रक्चर है। ऑल दो कोई बोलता है इट्स अ पूप, सम से समथिंग एल्स, सो पीपल हैव लॉट ऑफ नेम फॉर इट। और इसी के ही सामने काफ़ी बड़ा इन्होंने गार्डन सा बनाया हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो ये पूरे इंस्टीट्यूट में इस टाइप से वॉकिंग के लिए भी बनाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। सो ये है डायरेक्टर सर का बंगला, इसी के पीछे गेस्ट हाउस है, और ये जो इसके पीछे सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं एंड ये वाली, ये सब फैकल्टी क्वार्टर्स हैं। सो ये है सीएस डिपार्टमेंट। ऑल दो कहीं पे लिखा नहीं होगा कि ये सीएस डिपार्टमेंट है बिकॉज इन्होंने नेमिंग जो है किसी पर्सन के नाम पर की हुई है। और ये सीएस डिपार्टमेंट के बगल में जो बिल्डिंग है दिस इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पेड़ भी लगे हुए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नाम इन्होंने जेसी ब्लॉक रखा हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ कंफ्यूजिंग हियर, दैट्स फॉर श्योर। सो यहाँ पे होती है फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग के एंड वाली साइड में डायरेक्टर सर का ऑफिस है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम रखा हुआ है वेश्वेश्वराय ब्लॉक। और ये जो टॉप फ्लोर है यहाँ पे है डायरेक्टर सर का ऑफिस। और ये इसी के सामने है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इसी के पीछे है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये हैं यहाँ के टॉप प्रायोरिटी रेजिडेंट जिनको कभी भी कैंपस से नहीं निकाला जाता है, ऑल्दो ये बहुत बार लोगों को काट चुके हैं। और इसी के ये जस्ट पीछे है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, सारी क्लासेस यहीं चलती है मोस्टली। ये एकेडमिक बिल्डिंग के जस्ट पीछे यहाँ पे है ऑडिटोरियम, इसी के ही बैक साइड में लाइब्रेरी भी है। ये देखो दो बिल्डिंग के बीच में हाइपरलूप। और ये बिल्डिंग अभी नई बनाई हुई है, इसका नाम है सुपर एकेडमिक ब्लॉक। कहीं पे लिखा नहीं है बट यही इसको बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सो ये जो सैब बिल्डिंग है इसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और HSS है, ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ये भी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सो ये मैं ले चलता हूँ अभी सैब के अंदर। ये देखो पूरा स्पाइडर वेब जैसा बनाया हुआ है, थोड़ा धूप कम आए इस वजह से। और ये मैं बिल्कुल टॉप में आ गया हूँ इस सैब बिल्डिंग के। सो ऐसा सा कुछ व्यू है। सो ये स्पम जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। सो इसमें फाउंटेन चलता है। तो ये सब PhD वालों के बैठने के लिए बन रहे हैं, अभी सब काम चल रहा है यहाँ पे। और ये सब फैकल्टी वालों के ऑफिस हैं।
और ये है अपने कैंपस की लोकेशन, ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं सब शिवालिक रेंज है, और उसी के ही एकदम वहाँ पे जो पानी जैसा दिख रहा है वो पूरी सतलुज रिवर है। ये CS डिपार्टमेंट और इसके पीछे ये सारे फैकल्टी हाउस हैं, सर ये सारे फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, जो रेड बिल्डिंग्स हैं। और ये देखो पूरा कैंपस का व्यू, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और वो गेट्स देख रहे हैं जहाँ से मैंने एंट्री करी थी। व्यू फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट इन IIT रोपड़। और ये पूरा सैप बिल्डिंग के टॉप में हूँ मैं इस टाइम। तो ये है ऑडिटोरियम, ज़्यादा बड़े नहीं है यहाँ का ऑडिटोरियम, 500-600 सीट्स हैं। ये जो दिख रहा है ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये PhD वालों की मेस है, ये एक हॉस्टल है जो जहाँ पे BTech वाले फर्स्ट ईयर वालों को यूजली रखते हैं, और इसी के ही बगल में गर्ल्स हॉस्टल भी है, और ये सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं ये वाले। और ये है IIT की लाइब्रेरी, ये भी बहुत बड़ी तो नहीं है बट गेट्स द जॉब डन। और ये है IIT रोपड़ का रोज़ गार्डन, बरसात में ये स्विमिंग पूल का काम भी करता है क्योंकि सारा पानी आके यहीं जमा होता है। ये जो बिल्डिंग देख रही है ये गर्ल्स हॉस्टल है। IIT के रक्षक। और ये है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, स्टेशनरी का सामान लेना हो वो भी मिल जाएगा, बैंक भी यहीं है। ये है मैगी हॉटस्पॉट, यहाँ बनती है एकदम हार्ट अटैक मैगी। के सामने है कैफ़े कॉफ़ी डे, जहाँ कोई पीता नहीं है। और अगर चाय की जगह चाशनी चाहिए तो आ जाइए दुबे कैंटीन, एंड फिर अपना ऑर्डर करके भूल जाओ क्योंकि मिलने वाला तो है नहीं। और ये है बॉयज़ हॉस्टल, ऐसे ही दो और हैं सेम आर्किटेक्चर के। आज संडे का दिन है तो ऐसे मातम छाया हुआ है, अदरवाइज़ ये बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के ग्राउंड में सब लोग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। और ये है बॉयज़ हॉस्टल के अंदर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा है अंदर, यहाँ पे सब नया बना हुआ है सो काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये है कैंपस की पार्किंग, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, ये सामने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये साइड बॉयज़ हॉस्टल है। सो कैंपस अपना काफ़ी बड़ा है, 550 एकड़, तो अभी मैं ड्राइव करके जाता हूँ और जगह भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। अब मैं ले चलता हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साइड, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक ग्राउंड है। सो थोड़ा दूर है, इसे ड्राइव करके जा रहा हूँ। और ये एक और मैस है यहाँ पे, दो मैस हैं IIT में, ये एक है जहाँ पे BTech वाले मोस्टली रहते हैं, मोस्टली खाना खाते हैं, और ये BTech वालों का हॉस्टल है, और इसी में ही गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसके दो विंग हैं। यहाँ पे ये टेनिस ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, और वॉलीबॉल ग्राउंड भी है। और ये जो लाइट्स दिख रही हैं ये फुटबॉल ग्राउंड की है, इसी के पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, तो ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। इसी के ही पास में हॉकी ग्राउंड भी है बट स्विमिंग पूल नहीं है यहाँ, और इसी पे ही रनिंग ट्रैक भी फुटबॉल ग्राउंड के चारों ओर बनाया हुआ है। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। सो कैंपस की मैंने बहुत सारी फोटोज़ वगैरह खींची हैं पहले ओवर द ईयर्स, सो आई विल शेयर देम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो वॉच देम, होप यू विल लाइक इट।